बिजनौर में कुछ देर पहले मिली कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से लंबी छलांग लगाई है। लगातार शहर में कोरोना मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जो एक शोचनीय विषय है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी ओर ध्यान देने की, क्योंकि जिस तरह से ये महामारी शहर में फैलती जा रही है और लोगों की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, उसमें यह कहा जाना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कहीं ये महामारी विकराल रूप न धारण कर ले। क्योंकि जिस तरह से आज बिजनौर में फिर से 23 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वो सचमुच दुखद है। आज जिन लोगों की लिस्ट आई है, उनमें भरत विहार कॉलोनी बिजनौर से एक युवक, एक महिला, मोहल्ला जाटान बिजनौर से एक युवक, आवास विकास कॉलोनी बिजनौर से दो युवक, एक महिला, CSC नजीबाबाद से एक युवक, मोहल्ला जाब्तागंज नजीबाबाद से एक युवक, मोहल्ला हिमालयन कॉलोनी नजीबाबाद से एक लड़की, मोहल्ला नई बस्ती जाब्तागंज नजीबाबाद से एक युवक, गांव मेहरपुर शेख नजीबाबाद से एक, गांव जवाली वाला नजीबाबाद से एक, गांव उबन वाला नजीबाबाद से एक, मोहल्ला बिश्नोई सराय नगीना से एक महिला, पंजाबी कॉलोनी धामपुर से दो महिलाएं और दो पुरुष, मोहल्ला सकी सराय सोहारा से एक युवक, मोहल्ला कस्बा सोहारा से एक युवक, गांव गंगाधर सहसपुर सोहारा से एक युवक, मोहल्ला हकीमान नेटौर से एक युवक, आर्यनगर नई बस्ती B14 बिजनौर से एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी के क्षेत्रों को सील करते हुए इनको इलाज के लिए COVID-19 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है।